हमने भाषा के कुछ रूपों पर चर्चा की थी अपने पिछले वीडियो में, उसी बात को हम यहाँ आगे बढ़ाएंगे। और हम जिस भाषा पर अभी चर्चा कर रहे हैं, हमने कुल 6 रूपों के ऊपर पिछले वीडियो में चर्चा की थी, हम यहाँ पर भाषा के 7वें रूप परिनिष्ठित या परिष्कृत भाषा के विषय में अध्ययन करेंगे। परिष्कृत या परिनिष्ठित भाषा, जिसे आदर्श भाषा या टकसाली भाषा भी कहा जाता है, इसे हम स्टैंडर्ड या मानक भाषा भी कहते हैं। यह वास्तव में भाषा का परिष्कृत रूप होता है जो सभी के लिए मान्य होता है। और इसी कारण यह पृथक पृथक क्षेत्र में रहने वाले सभी शिक्षित सभ्य व्यक्तियों के द्वारा अपने कार्य व्यवहार में प्रयुक्त किया जाता है। यह रूप अपने आसपास की सभी बोलियों से अधिक महत्वपूर्ण होता है और यही कारण है कि यह उन्हें प्रभावित करता है, यहाँ तक कि कभी कभी उन पर इसका प्रभाव इतना अधिक होता है कि लगता है जैसे उन पर छाई गया हो। और इसके सम्मुख इसीलिए जो अन्य बोलियाँ हैं वह महत्वहीन हो जाती है। इसके 2 रूप होते हैं, लिखित रूप और मौखिक रूप। इसका अपना एक व्याकरण होता है और उस व्याकरण के कारण ही इसका रूप हजारों वर्षों तक स्थिर रहता है। लिखित रूप इस तरह से स्थिर हो जाता है, मौखिक रूप है वो एक नए रूप में विकसित होता रहता है। ये हमने आदर्श भाषा के विषय में चर्चा की। भाषा का एक अन्य रूप होता है राष्ट्रभाषा। संपूर्ण राष्ट्र की जो भाषा होती है वह राष्ट्रभाषा होती है। यह ऐसी भाषा होती है जिसे संपूर्ण राष्ट्र के अधिकांश जन समुदाय बोलने या समझने की शक्ति रखता है, चाहे वह थोड़ा ही बोले चाहे वह थोड़ा ही समझे, पर वह उसके माध्यम से बात को समझ जाता है और वह उसका उच्चारण कर पाता है। वैसे तो सभी क्षेत्रों में जैसे भारत देश है अपनी अपनी भाषा का प्रयोग होता है, परंतु राष्ट्र की एकता को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण राष्ट्रवासी जिस भाषा को सार्वजनिक रूप से प्रयुक्त करते हैं वह एक भाषा है और वह है खड़ी बोली हिंदी, जो राष्ट्रभाषा कहलाती है। इस तरह से राष्ट्रीय एकता को ध्यान में रखकर सार्वजनिक रूप से जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। राष्ट्रीय पर्व, त्यौहार, उत्सव, इन राष्ट्रीय महत्व के सभी अवसरों पर इस भाषा का प्रयोग किया जाता है। अब हम चर्चा करेंगे राजभाषा की। तो जो राजकीय कार्यालय होते हैं, राज्य की आज्ञाएं प्रसारित होती हैं, इनमें जो भाषा प्रयोग होती है वह राजभाषा कहलाती है। जो स्वतंत्र राष्ट्र होता है उनकी अपनी राष्ट्रभाषा होती है, उसी तरह से एक राजभाषा भी होती है और उसमें वहाँ का राज्यकाज चलता है। हमारे यहाँ की राजभाषा हम जानते हैं लिखित रूप में हिंदी है, पर क्योंकि हमने सहयोगी रूप में अंग्रेजी को चला रखा है
इसलिए दोनों भाषाएं हमारे यहाँ प्रयुक्त होती है। पर यदि कोई राष्ट्र परतंत्र होता है तो वहाँ की राष्ट्रभाषा और राजभाषा अलग अलग हो सकती है। जैसे जब हमारे यहाँ मुगलों का शासन था तो राष्ट्रभाषा हिंदी होते हुए भी राजभाषा फारसी थी। अब बात आती है अंतर्राष्ट्रीय भाषा की। जब कोई भाषा केवल एक राष्ट्र में प्रयुक्त न होकर अनेक राष्ट्रों के द्वारा प्रयुक्त की जाने लगे तो वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। जैसे आजकल अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, भले उसे ये पद या यहाँ तक वो इसलिए पहुँची है क्योंकि अंग्रेजों का शासन कई जगह रहा है, पर हम जानते हैं कि आज विश्व के अधिकांश देशों में अंग्रेजी को प्रयुक्त किया जाता है। अब बात आती कृत्रिम भाषा। कृत्रिम भाषा किसे कहते हैं? यह भाषा किसी विशेष लक्ष्य को सामने रखकर बनाई जाती है। जैसे जेक्टर एस पेरेंटो एक भाषा है जिसका निर्माण डॉक्टर जेमन हॉफ ने किया था। सुगमता और सुबोधता के लक्ष्य से यह भाषा बनाई गई थी। विश्व के अनेक देशों में इसका प्रचार है और अनेक पत्र पत्रिकाएं भी इस भाषा में निकलती है। इसका प्रयोग करने वालों की संख्या भी लाखों में बताई जाती है। यह केवल एक भाषा का हमने जिक्र किया है, ऐसी और भाषाएं भी है, जैसे नोवियल भाषा है, इंटर लिंगुआ भाषा है, ऑक्सीडेंटल भाषा है, ये सब इस तरह की भाषाएं होती हैं। पर ये भाषा केवल काम चलाऊ भाषा के रूप में प्रयोग की जाती है, किसी गंभीर विषय में इन पर चर्चा नहीं होती है। इनमें किसी उच्च स्तर के साहित्य का निर्माण भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें हृदय की भावनाओं को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। भाषा का एक अन्य प्रकार होता है कूट भाषा। इसे गुप्त भाषा भी कहते हैं। इसका प्रयोग सामान्यतः मनोरंजन के लिए किया जाता है, जिसमें कुछ विशिष्ट शब्दों का प्रयोग किया जाता है, कुछ विशिष्ट संकेत माने जाते हैं जो उस भाषा को समझता है, जिसके लिए वह कही जाती है वह व्यक्ति उस भाषा को समझ जाता है। इस तरह से यह भाषा प्रयोग की जाती है। भाषा का एक अन्य प्रकार होता है साहित्यिक भाषा। जिस भाषा के अंतर्गत प्रचुर साहित्य की रचना होती है वह साहित्यिक भाषा कहलाती है। जब कोई बोली किसी कारणवश प्रधान बन जाती है और शिक्षित लोगों द्वारा साहित्य रचना के रूप में प्रयोग की जाती है तो वह साहित्यिक भाषा के रूप में
प्रयुक्त होती है। और चूंकि उसमें साहित्य लिखा गया है, इसलिए साहित्य के कारण वह भाषा अपने अस्तित्व को स्थिर रख पाती है। एक भाषा होती है मातृभाषा, जिसे बच्चा माँ के द्वारा सीखता है, क्योंकि बालक माँ के सबसे करीब होता है। वह माँ के हाव भाव के माध्यम से माँ की बोली को ही वो सबसे पहले समझ पाता है। तो जो माता के द्वारा सीखी हुई बात है, अबोध अवस्था में जिस भाषा को समझ जाता है, वह भाषा उसकी मातृभाषा कहलाती है।